फिर मैंने सोचा रुकूं कि ना रुकूं, बट फिर मैंने पढ़ा ये और कुछ ऑफ बीट प्लेसेस भी एक्सप्लोर करेंगे इस ट्रिप पे। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने ऑफर रखा है कि भाई धोखा खाए लोगों के लिए चाय, ये इसका क्या कोई कैसे चेक करते हो धोखा खाया कि नहीं खाया, ये क्या बात बनी? मुझे लगा ये मोनेस्ट्री है बट एक्चुअली ये कैफे है। यही है वो स्टीप रोड, पता नहीं अब कितनी स्टीप है क्या है। ये मुझे बताया इन्होंने कि ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट वैसे थोड़ा टफ लग रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे एक फोटो लगी हुई है अजय देवगन की, उसमें से देख रहे हैं, तो उसी से मैं जज कर रहा था कि ये कितनी पुरानी बाइनोकुलर्स है। टाइम इज 7:13, प्लान तो था 7 बजे निकलने का बट इट्स ओके, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, सुबह हो गई है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू राइडर फील्ड्स, मेरा नाम है हैरी और आज हम निकल रहे हैं अपनी अगली जर्नी पर जो कि है मसूरी। और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ जो कि बहुत ऑफ बीट है, जो मतलब क्राउड से रश से थोड़ा दूर है। और राइट, सो ज़्यादा लेट ना करते हुए मिलता हूँ सीधा आपको हाईवे पे। और राइट, सो घर से निकले हुए कुछ आधा घंटा हो गया है और हम हाईवे पे आ चुके हैं फाइनली। वैसे तो मैं 5-6 बजे निकलता हूँ अक्सर अपने घर से, बट आज लाइक 7:30 आई थिंक आई हैव स्टार्टेड, और उस वजह से ना थोड़ा सा ट्रैफिक मुझे मिला। हालांकि आज छुट्टी है, आज होली है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक इज ओके, बट अब हाईवे पे आते ही ना ऐसे लग रहा है शरीर में जान आ गई, मज़ा आ रहा है, अब लग रहा है कि ट्रिप की शुरुआत हो गई। अभी यहाँ से हमने 10 मिनट पहले नाडा साहिब जो गुरुद्वारा है वो क्रॉस किया है, चंडीगढ़ से जर्नी स्टार्ट हुई है टूवर्ड्स मसूरी। मुझे उम्मीद है आपको आने वाला है मज़ा, क्योंकि मुझे मज़ा आने ही वाला है, आई विल मेक श्योर कि मज़ा आए आपको भी मुझे भी। और यस, इस ट्रिप पर हमने कुछ सामान लिया है नया, मैंने ली है राइडिंग पैंट्स, ये है राइनॉक्स की स्टेल्थ ईवो, मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक परफॉर्म भी कर रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको पहना हुआ है। और इसके नीचे मैंने लाइनर नहीं पहना है बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, अभी मौसम थोड़ा ओपन हो चुका है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें थोड़ा वेंटिलेशन भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिकॉज मैंने सुना था स्टेल्थ ईवो जो पैंट्स है उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फिलहाल काम ठीक चल रहा है इसमें। वैसे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे पॉकेट्स दे रखी हैं जो आप ओपन अप कर सकते हो अगर आपको गर्मी लग रही हो, तो उसमें थोड़ी सी विंड अंदर आ जाती है, हवा पासिंग हो जाती है, बट फिलहाल आई थिंक आई एम डूइंग वेल। सो हमें दिखा रहा है 4 घंटे 15 मिनट रफली यहाँ से, 12:30 तक का एस्टिमेटेड टाइम है कि हम मसूरी पहुँच जाएंगे। मैं ज़्यादा आज रश नहीं करूँगा, लास्ट टाइम से सुबह वाली राइड पे सुबह सुबह बहुत धुंध थी, दिक्कतें हुई, बहुत सारी परेशानी हुई। अगर आपने वो वीडियो बताया भाई नहीं देखा मेरी सिसु वाली सीरीज़ तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, मज़ा आ रहा है, ब्यूटिफुल सनी वेदर। राइट, सो हम पहुंच चुके हैं पांवटा साहिब, यहाँ से है गेट गुरुद्वारा साहिब जाने का, यहाँ पे एक छोटा सा टोल जहाँ पे पैसे कटते हैं अगर आप गाड़ी पे आ रहे हो, कभी कभी नहीं भी देते, कभी कभी ले लेते हैं, बाइक्स के लिए यही तो फ़ायदा है, टोल नहीं लगता। ये है यमुना का नज़ारा, वैसे पानी बहुत कम है अभी, कुछ ज़्यादा है नहीं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन है। राइट साइड पर अगर आप देखो बहुत ज़्यादा वाइड है यार, इसके बाद बॉर्डर उत्तराखंड का शुरू हो जाएगा और हिमाचल हो जाएगा यहीं पे ख़त्म। देखते अगर कुछ खाने का मिल जाए सिस्टम बढ़िया शहर के बाहर, क्योंकि तो शहर में ना रश हो जाता है और आई डोंट लाइक द क्राउड्स। उत्तराखंड पुलिस देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लो जी, मसूरी इज़ ओनली 80 किलोमीटर्स रह गए हैं, रफली 1.5 घंटा मैक्सिमम आई थिंक होगा, 1.5-2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। वहां जाके चेक इन करके आराम ही करना है, कोई आग तो बुझानी नहीं, बट जैसे कहते हैं ना कि यार जर्नी इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड एंजॉय द जर्नी, डेस्टिनेशन इतनी मैटर नहीं करती, जर्नी मैटर्स। सो जर्नी को इंजॉय कर रहा हूँ और जहाँ मुझे कहीं लगा ना वाइब आ रही है, सही सी लोकेशन है, तो वहाँ बैठ के अपन पिएंगे चाय या कॉफ़ी। साइड में पानी चल रहा है, हवा भी ठंडी होगी, बढ़िया वाइब आ रही है। मैं यहाँ हाईवे से आ रहा था और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे,
सरदार जी पंजाबी जायका रेस्टोरेंट, मुझे लगा यार चाय पीनी चाहिए, यहाँ पे रुका जा सकता है। फिर मैंने सोचा रुकूं कि ना रुकूं, बट फिर मैंने पढ़ा ये बेवफा चाय वाला मैं कहा भाई इसकी तो चाय पीनी पड़ेगी, कि ऐसा क्या हो गया कि ये बेवफा चाय वाला बन गया। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बाइक पार्क करते हैं, लोकेशन तो ठीक लग रही है। एक हल्की सी चाय और कुछ बिस्किट वगैरह या कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए 20 रुपये की चाय, ओह प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपये की चाय। बस यार अपन तो 10 वाली पियेंगे, पर धोखा प्रूव कैसे करेंगे कि धोखा हुआ है? ट्राई करते हैं, देखते हैं, कहूँगा मुझे साथ तो 2-3 बार धोखा हो गया, मुझे तो यार 10 की ही पिलाओ, हो सके तो फ्री दे दो, इतने धोखे खाए हैं। बाय द वे बाइक कुछ ऐसी लग रही है, ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, मेरी जैन, मेरा इंटरसेप्टर 650, लगेज माउंटेड है प्रॉपरली। आज मैं सिंगल सेटअप के साथ चल रहा हूँ, और जो कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है एक्चुअली। सिंगल बैग है राइनॉक्स का, जो ऑल वेदर बैग है इसका। बग्स देखो कितने भाई, बुरा हाल, मक्खी मच्छर कितने ज़्यादा, मेरी हेलमेट भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वॉश होगी वापस जाके। अभी फिलहाल पीते हैं चाय और करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स। बदनाम कॉफी, फ्रेंड जोन सैंडविच, फ्रेंड जोन सैंडविच ग्रिल, ब्रो जोन बन मक्खन, वाह, बकवास मैगी, बेरहम चिली पोटैटो, इंटरेस्टिंग मेन्यू रखा हुआ है यार। खाना कैसा है, चाय वगैरह कैसी, बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। लो जी सैंडविच आ चुका है, कुछ ऐसा है सैंडविच। नॉट बैड, बीच में कुछ टमाटर, और जब तक चाय आ रही है सैंडविच का मज़ा लिया जाए। ओके, बाय द वे राइनॉक्स की स्टेल्थ ईवोज राइडिंग पैंट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे इसके वेंटिलेशन है, बट मुझे फॉर्चुनेटली आज अभी फ़िलहाल तक तो वेंटिलेशन ओपन करने की, यानी ये पॕकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेवल 2 प्रोटेक्शन है, बढ़िया, मतलब फिट एंड फिनिश है, और प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, सो फार एंड सो गुड। हालांकि गर्मी है, थोड़ी सी हो गई है, धूप निकल चुकी है, बट मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही, और प्रॉपरली मतलब इसमें हवा पास हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हवा पासिंग नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि जैकेट कौन सी है, तो जैकेट है रॉयल इनफील्ड V3 एक्सप्लोरर। भाई एक बार बात सुनो, चाय तो तुम दे गए, ये बताओ ये नाम क्या है बेवफा चाय वाला, है इसका नाम, इसका मतलब क्या है? ये जो तुमने ऑफ़र रखा है कि भाई धोखा खाए लोगों के लिए चाय, ये इसका क्या है? कोई कैसे चेक करते हो धोखा खाया कि नहीं खाया? मैं कहूँ मैंने धोखा खाया तो मिल जाएगी चाय सस्ती? अच्छा, सुबह 6 बजे देते हो, वैसे नहीं है, सही है सही है, थैंक यू। चाय वाला जो है, इसका जो ऑफ़र है कि प्यार में धोखा खाए हुए लोग, तो कहता है 6 बजे मिलेगी, मतलब वो ये समझ नहीं आया मुझे, मतलब अगर आपने धोखा खाया हुआ है तो 6 बजे आना पड़ेगा, 6 बजे के बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं है। अजीब है यार, मुझे लग रहा है मेरे से तो पूरे पैसे लेंगे, बट इंटरेस्टिंग था, मूड लाइट हो गया। राइट, सो वी आर बैक ऑन द हाईवे, यहाँ से 2 घंटे दिखा रहा है मसूरी, एग्जैक्टली 2 आवर्स, 66 किलोमीटर्स। आई होप कि रोड ऐसा ही मिले मक्खन की तरह, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक हम देहरादून एंटर कर गए और दूसरे रास्ते से एंटर कर गए, दूसरी साइड से, बिकॉज ये IMA है, मुझे ये पता है इसके बारे में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और ये जो लाल दीवार आप दोनों साइड देख रहे हो, ये IMA की है। यहाँ से निकलते हैं हमारे देश के फौजी जवान ट्रेनिंग लेकर, बहुत ही ब्यूटीफुल ये बना हुआ है। सैल्यूट टू द आर्मी।
मैं जा रहा था, चलते चलते मुझे एक ऐसा व्यू दिखा कि मुझे रुकना पड़ गया। ये देखो, वाव, दूर तक देखो सारा सिटी दिख रहा है और पीछे देखो पहाड़ की ये कवरिंग है पूरी, बीच में शहर है। वाव मैन, ब्यूटीफुल। चलो ज़्यादा व्यू में नहीं घुसते हुए आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ 8-9 किलोमीटर रह गए जहाँ से मुझे वो कट लेना है जो बंदे ने बताया था कि मॉल रोड पे मत जाना, पहले ही एक पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से आपको ऊपर कट लेना है। थोड़ा सा स्टीप है, देखते हैं कितना स्टीप है, आई होप ज़्यादा स्टीप ना हो। मॉल रोड पे हमें नहीं जाना है बिकॉज एज़ पर द न्यूज़ मॉल रोड पे आज गाड़ियाँ अलाउ नहीं कर रहे, इसीलिए हमें लेना होगा थोड़ा सा आज डीटूर और दूसरे रास्ते से हम एंटर कर जाएंगे। आई थिंक वो है मसूरी। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। ओके सो मसूरी हम पहुंच गए हैं और एज पर द गाय भारत पेट्रोलियम का है ये पेट्रोल पंप। यस एग्जैक्टली, अब यहाँ से कोई सड़क जा रही है ऊपर को स्टीप, अब वो आगे से जा रही है कि पीछे से जा रही है ये देखना पड़ेगा। वैसे तो वो भी है एक सड़क पीछे वाली, बट यहाँ से कोई दिख नहीं रही भाई, ये तो नहीं इंडियन ऑयल। ओके आई थिंक ये जो सीधी है ना ऊपर वाली, ये लग रही है मुझे सड़क, एक बार रुक के चेक कर लिया जाए। ओके गाइस सो मैंने चेक कर लिया है, यही रोड है जो ऊपर जा रही है, जो स्टीप रोड बंदा बता रहा था यही है वो स्टीप रोड। पता नहीं अब कितनी स्टीप है क्या है, तो आगे जाके पता चलेगा। वी हैव टू डू दिस। मैंने वाइजर हेलमेट का खोल लिया है शेड्स उतार लिया ताकि सब क्लियर क्लियर दिखे भाई। ऑल राइट हियर वी गो। अब होने वाला थोड़ा सा एडवेंचर। ओके बड़ा शार्प मोड़ था भाई, बच्चा पार्टी इस साइड हो जाओ, बच गया भाई, पिचकारी मारने वाले थे। ओह क्या व्यू है और क्या रास्ता है। एक्सक्यूज मी कहाँ जाना है भाई, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है। भैया ऊपर जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये सीधा। हाँ भाई ज़्यादा स्टीप है कुछ। ऐसी जगह पे ना मोमेंटम बना के रखना पड़ता है, बस मोमेंटम बना के रखो और मोमेंटम को ही फॉलो करो। ज़्यादा टाइट है भाई, पूरा पूरा मोड़ है। वो दिखा मुझे, दिखा जोस्टल का बोर्ड। यस आई थिंक वी आर हियर। अरे यहाँ तो पार्टी चल रही है। चलो फिर उतारी जाए बाइक, पूरा माहौल चल रहा है भाई। ओ जी वी आर हियर फाइनली। पहले तो व्यू चेक किया जाए। नाइस nice.
सो दिस इज मसूरी। सो हम आ गए हैं अपने हॉस्टल से बाहर। मसूरी को एक्सप्लोर करने के दो ही बेस्ट तरीके हैं, या तो आप कोई स्कूटर या फिर बाइक रेंट आउट कर लो, या फिर बाय वॉक, जो कि मैं करने वाला हूं। क्योंकि जो मेन अट्रैक्शंस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, इवन लैंडोर, यहां से करीब 3 या 4 किलोमीटर के एरिया में ही सारा कुछ आ जाता है, और मुझे लगा वॉक करके जाना बेस्ट रहेगा एंड शरीर भी गर्म हो जाएगा, ठंड भी नहीं लगेगी। हालांकि यहां पे अभी धूप निकली हुई है, इतनी ठंड नहीं है, बट शाम को मैंने सुना यहां पे बहुत ठंड हो जाती है। बाय द वे, हम जा रहे हैं लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट, जो कि यहां से करीब 2.5 किलोमीटर है। हमारे पास एम्पल टाइम है, बिकॉज यहां से आई थिंक मुझे 45 मिनट्स लगेंगे। 15-20 मिनट का रास्ता तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, जो मार्केट का मेन रास्ता था। अभी हम आगे जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नजारा। बताया इन्होंने कि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट वैसे थोड़ा टफ लग रहा है। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ये है करीब 7460 फीट पे। ये टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज यहाँ से आपको मिलते हैं पैनोरामिक व्यूज ऑफ द हिमालयन रेंज। लुक एट दैट व्यू मैन, वाओ। अभी हम लाल टिब्बा पहुंचे भी नहीं है और व्यूज ऑलरेडी ब्रेथ टेकिंग हो रहे हैं। लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट पर 20 मीटर लंबा एक टावर है, जहाँ पे एक टेलीस्कोप फिट किया गया है, जिससे कि आप हिमालयन रेंज का नज़ारा ले सकते हो। अगर किसी वजह से आप टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच पाते या वो टावर नहीं चढ़ना चाहते, तो नीचे जो लाल टिब्बा का एक पॉइंट है, वहाँ पे बाइनोकुलर्स मिल जाते हैं, उसके थ्रू भी आप हिमालयन रेंज को एंजॉय कर सकते हो। लैंडोर जाने का ये रास्ता है और ये इन्फिनिटी वॉक भी जिसे बोला जाता है। रास्ते में खूब सारे आपको सीनिक व्यूज मिल जाते हैं। चार दुकान आई थिंक हम पहुंच गए, जो कि यहाँ की बहुत फेमस जगह है। चेकआउट करते हैं। ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसे चार दुकान कहते हैं। चार दुकान मतलब 4 शॉप्स, लिटरली। चार दुकान का एरिया बना था ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, जब लोकल्स को और लोकल सोल्जर्स को केटर करने के लिए कुछ शॉप्स नहीं थी, तो ये चार दुकान उनको केटर करती थी। सबसे फेवरेट स्पॉट है टूरिस्ट का ये, और यहाँ से आपको कई हाइकिंग ट्रेल्स भी मिल जाएंगी, जो यहाँ से शुरू होती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट यहाँ से सिर्फ आई थिंक 15-20 मिनट की वॉक है। यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो कॉफी, सैंडविच, वॉफल्स, जो आप चाहो। बहुत ही बढ़िया एम्बियंस और खाना जबरदस्त। मसूरी में मुझे पहुंचे हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक की सबसे पीसफुल और शांत जगह जो मिली है ना, वो लैंडोर ही है। अगर आप मेरी तरह शोर शराबे से दूर रहना चाहते हो और चाहते हो एक पीसफुल सी ट्रिप, तो लैंडोर इज़ द प्लेस फॉर यू। चार दुकान जो हमने अभी खाया पिया, बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी। वहाँ पे थोड़ी देर रुको, खाओ पियो और आगे आप निकल जाओ। इतनी शांति है ना यहाँ पे, चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, मतलब ब्यूटीफुल, मतलब दिमाग एकदम ना फ्रेश हो गया। तो ये है वो स्पॉट जहाँ पे बाइनोकुलर्स आपको मिल जाते हैं हिमालयन पीक्स को देखने के लिए। एक बार ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसा है नज़ारा हिमालयन रेंज का। ओके, सो दैट वॉज लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से ठीक था। ऊपर जाने के लिए 50 रुपये टिकट है, ऊपर मतलब उनके जो होटल है, वो जिसने बना रखा है उसने 50 रुपये टिकट रखी है। ऊपर जाओ, वहाँ पे एक बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत पुराने हैं, ठीक है, उसका ग्लास इतना क्लियर नहीं है, बट ठीक है,
मतलब आपको थोड़ा बहुत दिख जाता है जो हिमालयन पीक्स हैं, रेंजेस हैं, उसका क्लोज व्यू आपको दिख जाएगा। बट हाँ, ज़्यादा क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज वो जो बिनोकुलर है ना बहुत ज़्यादा पुरानी है। इनफैक्ट वहाँ पे एक फोटो लगी हुई है अजय देवगन की, उसमें से देख रहे हैं, और वो फोटो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो उसी से मैं जज कर रहा था कि ये कितनी पुरानी बिनोकुलर्स है। डेफिनेटली ग्लास पुराना है, इतना क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। बट अभी मैं अपनी इन्फिनिटी वॉक को कंटिन्यू करता हुआ जा रहा हूँ लैंडोर बेक हाउस, जो कि अगेन वन ऑफ द मेन स्पॉट्स हैं यहाँ पे लैंडोर का। यहाँ पे ना बेल्स की आवाज़ आ रही है, अगर आपको सुन रही हो, शायद कोई मोनेस्ट्री है या कोई मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, पीसफुल एकदम। ओ रही है पूजा, देखो। ऑलराइट गाइस, सो आज का दिन रहा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। हमने राइड शुरू की चंडीगढ़ से और पहुँचे मसूरी। उसके बाद हम गए लैंडोर, जो कि है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पॉट। आई थिंक मसूरी से ज़्यादा लैंडोर मुझे पसंद आया। वहाँ पे जो मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द डे था ना, वो थी लैंडोर बेक हाउस। ज़बरदस्त एम्बियंस, इतनी प्यारी खुशबू उस बेकरी की, और अंदर से वुडन इंटीरियर्स। खचाखच भरा होने के बावजूद भी उन्होंने ऑर्डर मेरा इतनी फटाफट से प्रिपेयर कर दिया। मैंने खाया वहाँ पे चीज़ गार्लिक क्रोसॉन, जो कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था ना, मतलब डेफिनेटली रेकमेंडेड वाली चीज़। कभी भी आप लैंडोर बेक हाउस आओ तो वो जरूर खा लेना। और कॉफी ट्रूसॉल केक, वो भी भाई ज़बरदस्त चीज़ थी। ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एज ऑलवेज। एंड अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे, तो मुझे फॉलो कर रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि है राइडर फील्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, एंड विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।